गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स NIOS DLED क्या PRT भर्ती 2020 में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर शिक्षा मंत्री का एक बयान काफी वायरल हो रहा है आज। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एक्चुअल में इसके पीछे क्या बैकड्रॉप है। हालांकि इसकी स्नीक पिक हमने कल रात के वीडियो में आपको दे दी थी, जहां पर हमने NIOS DLED वालों के बारे में बताया था कि वो शिक्षा मंत्री से मिलने गए हैं और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में क्या क्या बातें थी वो भी हमने आपको कल शाम को ही बता दिया था। तो आज आगे जो खबरें चल रही हैं उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि 45 दिनों से शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं NIOS DLED वाले, जिसके बारे में हम रेगुलर आपको अपडेट दे रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी मांग यह है कि प्रशिक्षुओं के संगठन ने दी मांग जल्दी पूरी नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जैसे कि सबको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, सरकार से ऑलरेडी दबाव में है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है कि NIOS DLED प्रशिक्षु को शिक्षक भर्ती में मिलेगा मौका। जी हाँ फ्रेंड, ये बाइट निकल के आ रही है जो उत्तराखंड के एजुकेशन मिनिस्टर हैं अरविंद पांडे की। फिलहाल ऑफिशियल उनकी ओर से ऐसा कुछ निकल के नहीं आया, देखते हैं अब क्या है। बाकी जो खबरें चल रही हैं उनके बारे में यहाँ पर विश्लेषण करते हैं कि एक्चुअल में ये संभव है या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि बीते 45 दिनों से आंदोलन कर रहे NIOS DLED जो है प्रशिक्षु को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देने का आश्वासन दिया है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब ये आश्वासन किस तरह का है, PRT भर्ती 2020 में मौका मिलेगा या फिर जो 451 में आई हैं भर्ती उनमें मौका मिलेगा या फिर आगामी भविष्य में जो PRT भर्ती आएंगी उनमें मौका मिलेगा, फिलहाल कुछ भी साफ साफ नहीं नजर आ रहा है। और उसके बारे में जो है आप अपनी राय रखिए कि किस में मौका दिया जा सकता है। बाकी जो भी कमेंट्स आएंगे उसके रिप्लाई मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि मंगलवार को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे आंदोलनकारी NIOS DLED प्रशिक्षुओं के लिए राहत भरी खबर है। और हमने इसके बारे में बताया भी था आपको कि जो है शिक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हो रही है, जो ज्ञापन उन्होंने सौंपा था उसके बारे में भी हमने डिटेल में कल रात को ही आपको एक अपडेट दे दी थी। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपको पता है 45 दिनों से आंदोलन कर रहे NIOS DLED प्रशिक्षु ने मंगलवार को यमुना कॉलोनी स्थित शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास का घेराव किया। हालांकि वो वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाए थे, लेकिन उनके जो और भी अधिकारी हैं उनको जो है ज्ञापन सौंप दिया गया था। तो आप देख सकते हैं जो NIOS DLED संगठन के अध्यक्ष हैं कपिल देव ने कहा कि 45 दिन से धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन पर है, पर सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षा मंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वह कैबिनेट में बात रखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, यह आश्वासन मिला है कि वो कैबिनेट में बात रखेंगे। NIOS DLED प्रशिक्षुओं की जो सबसे बड़ी मांग है कि प्राथमिक भर्ती 2020-21 में सम्मिलित करने की मांग है। जैसे कि आपको पता है कि 2020-21 की ऑलरेडी जो है काउंसलिंग चल रही है, कई जगह पर नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं। तो पहली बात 2021 में तो शामिल होना असंभव है किसी भी हालत में कैसे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे 451 की। उससे पहले इस बात पर एक बार और गौर कर लेते हैं कि संगठन के अध्यक्ष कपिल देव ने शिक्षा मंत्री से यह कहा कि आप काउंसलिंग रुकवाएं और जल्द से जल्द NIOS DLED प्रशिक्षु को प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020-21 में सम्मिलित करें, जो कि असंभव है। ये हकीकत NIOS DLED वाले भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि NIOS DLED वालों का 2020-21 में तो कोई भी चांस किसी भी हालत में नहीं बनता नजर आ रहा है। अब इससे मैं ये जानता हूँ कि इस वीडियो को जो NIOS DLED वाले देखेंगे अनलाइक करके जाएंगे, लेकिन यार जो हकीकत है वो हकीकत है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि 2020-21 की भर्ती में कोई चांस अब NIOS DLED वाले का नहीं है। अगर कोई चांस बनता तो ये काउंसलिंग के पहले बन चुका होता, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि आपको 2020-21 में कोई मौका दे, अगर वो चाहती है मौका देना चाहता। लेकिन 451 वाले में अगर सरकार चाहे तो मौका बन सकता है। अब वो किस हिसाब से बनेगा वो सरकार जानती है, मैं इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अलग के एक पॉइंट रेज हो जाएगा। तो ये जो मांग है कि 2020-21 की प्राथमिक भर्ती में शामिल करें, तो इसमें असंभव दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम 50% से अधिक पद भरे जा चुके हैं और सेकेंड
वेटिंग लिस्ट भी आ रही है। तो इस वजह से सरकार ये जो आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हम 20-21 की भर्ती में शामिल करेंगे, तो बिल्कुल ये एक बात जो है सिरे से निकालना है। ये NIHDD वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हालांकि जो ये कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती को रुकवा दी जाए, वो मतलब काउंसलिंग रुकवा दी जाए, वो असंभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल मांगे पूरी नहीं की गई तो संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस दौरान संगठन के सभी लोग वहां पर शामिल हुए। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि मेन पॉइंट्स क्या होंगे। मेन पॉइंट जो उन्होंने कहा कि 20-21 में शामिल करने को काउंसलिंग की, जो कि कतई असंभव है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सबको जानते हैं। अब यहां पर एक काम जो है सरकार कर सकती है कि 451 पदों पर जो भर्ती आई थी उसमें अगर कोई चांस बनता है तो NIHDD वालों का बन सकता है। उसमें भी अगर जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड जो इन्होंने यूज किया कि कैबिनेट में यह बात रखेंगे, अगर कैबिनेट में यह बात रखी जा सकती है तभी यहाँ पर मौका बन सकता है। 451 में 2020-21 में कोई चांस ऑलरेडी है ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो NCT का भी जो आया था रूल, उसके अनुसार आपने देखा होगा कि वो जनवरी के बाद आया था, तो 5 जनवरी के बाद, तो नवंबर में भर्ती आ चुकी थी। वो अलग बात है कि उन्होंने फिर आर मीनाक्षी सुंदरम ने उसको बोल दिया कि नहीं शामिल हो सकते हैं, बाद में बोले उसको हटा दिया, वो बात की बात है। अगर इनको NIHDD वालों को शामिल करना होता तो ऑब्वियस से बात है कि वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते। ठीक है, उसके अलावा भविष्य में जैसे कि अरविंद पांडे ने भी कई अपने बाइट्स में कहा है कि वो आगामी भविष्य में आएंगे, बट सवाल बड़ा यही उठता है जब 2018 की भर्ती आप सोचिए 2021 में बड़ी मुश्किल से हो रही, तो आप सोचिए 3 साल बाद भर्ती कब आएगी, फिर पता नहीं क्या होगा, वो अपने भविष्य की बात है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो NIHDD वालों का समाधान निकालना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार ने ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। यार मैं अपने वीडियोस में फैक्ट रखता हूँ जो बात है, बाकी अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, आपको नहीं अच्छी लगी तो आप अनलाइक करके जा सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो यार शेयर भी कर देना, और बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर पहली बार आ रहे हो तो बाकी मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, और उसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा स्क्रीन पर एक नए यूट्यूब चैनल का URL फ्लैश कर रहा होगा, तो उसको भी आप अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय जय भारत, जय उत्तराखंड।